अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शेख उसामा और आप देख रहे हैं माई टेक्निकल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल के कलर किस तरह के हो गए हैं, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, गैलरी ओपन करता हूँ, मैं अपनी वीडियो ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह की वीडियो चल रही है। तो अगर आप इस तरह का अपने दोस्त का मोबाइल पकड़ते हैं तो इस तरह का इफेक्ट लगा के उसको देते हैं तो वो हैरान रह जाएगा, ये क्या हो गया मेरे मोबाइल को। लेकिन दोस्तों, आप चुटकियों में इसको ठीक भी कर सकते हैं, चुटकियों में आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि मोबाइल के अंदर ही हैं, कोई आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल फ्री होते हैं। और मुझे बताइएगा कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, किस तरह की वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, क्योंकि काफ़ी लोग मेरी वीडियो को नहीं देख रहे हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि मैं ज़्यादातर गेम खेल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, गेम नहीं खेल रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही मौजूद हूँ। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने ये चीज़ इंटरफेस लेकर आना है, सबसे पहले आपने सेटिंग पे चले जाना है। ये सारा कुछ आपको एसेसबिलिटी में मिलेगा, ये आप नीचे आता हूँ मैं, तो ये देख सकते हैं एसेसबिलिटी आपको नज़र आ रही है। मैं कर लेते हैं इसको ओपन। ओपन करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हर मोबाइल में विजन की ऑप्शन होती है तो आपने विजन पे क्लिक कर देना है। जैसा विजन पे क्लिक करेंगे आप नीचे आए तो आपके पास कलर इन्वर्शन की ऑप्शन होगी। तो दोस्तों, अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, ये मेरा मोबाइल बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं मेरी वीडियो, वही वीडियो बिल्कुल ठीक चलेगी जो कि मेरी ख़राब चल रही थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि ये वाली वीडियो थी अब बिल्कुल ठीक चल रही है, वही वीडियो है। और जब मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ तो दोस्तों, अब आप देखिएगा ये वीडियो को क्या हो जाता है। कलर इन्वेंचर पे क्लिक किया, कलर इन्वेंचर पे जैसे क्लिक किया, अब ये कलर चेंज हुआ है। अब ये देख सकते हैं यही वीडियो अब चेंज हो गई है। अब आप अपने दोस्त को जल्दी से ये सेटिंग करके दे देंगे तो वो कहेगा मेरा मोबाइल तो ख़राब हो गया, लेकिन ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, जो दूसरी टिप है वो है मैग्नीफाइड विंडो की। तो दोस्तों, अगर आपकी नज़र ख़राब है या कोई आपको छोटा छोटा चीज़ नज़र आ रही है तो आप उसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। मैग्नीफाइड विंडो को आप ओपन करेंगे, जैसे आप इसको ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपके पास साइज़ पूछेगा, तो आपने इसको सेम यही करके हैं स्मॉल कर सकते हैं, या फिर आप इसको जितना साइज़ रखना चाहते हैं उतना रख कर आप इसको लॉक कर दीजिएगा। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल करने के बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद दोस्तों, आप इसका जितना साइज़ रखना चाहते हैं, मैं लार्ज रखना चाहता हूँ तो लार्ज रख के, तो दोस्तों मैं इसको क्लोज कर दूँगा। क्लोज करने के बाद दोस्तों, आप इसने मैग्नीफिकेशन में आ जाना है तो आपने इसको ऑन कर देना है। तो दोस्तों, ऑन करने के बाद दोस्तों, अब अगर आपने मोबाइल में 3 बार टैप करेंगे किसी भी चीज़ को तो वो जूम हो जाएगा। ये आप इसको जितना मर्ज़ी जूम कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसको और फिर 3 बार क्लिक करेंगे तो ये ओपनिंग नॉर्मल हालत में आ जाएगा। अक्सर वक्त इस तरह होता है कि आप 1 बार क्लिक कर रहे हैं तो नहीं होगा, लेकिन हमने 3 बार क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। तो 3 बार आप फिर करें तो ये नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये थी ये सेटिंग जो कि मैंने दूसरी आपको बताई है। उसके बाद आप रिमूव एनिमेशन कर सकते हैं, जिससे आपका रिएक्शन टाइम ज़रा जल्दी हो जाएगा, जिसमें आप वो जल्दी जल्दी रिएक्शन दे पाएंगे। तो आप इसको ऑन रख सकते हैं, ऑन रख लें। अगर आप बैटरी को बचाना तो आप इसको रिमूव ही रख दें। तो दोस्तों, उसके बाद आपके पास फॉन्ट एंड स्क्रीन जूम की ऑप्शन आती है, यहाँ से आपका जो साइज़ वगैरह वो सारा आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।